हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास फिफ्थ। ये आपकी वर्कशीट जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट की वर्कशीट मिलती है। इसकी वर्कशीट नंबर 2 मैं आपको सारे सब्जेक्ट की करा चुकी हूँ। वर्कशीट नंबर 3 आपकी इंग्लिश की हो गई, हिंदी हो गई एंड मैथ्स हो गई। अभी बारी है हमारी EVS की वर्कशीट की। इसमें आप सबसे ऊपर अपना नेम लिखेंगे, सॉरी डेट लगाएंगे और लिखेंगे मंडे। टिक राइट फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। एनालिटिकल इंजन वॉज, सॉरी ये कंप्यूटर की आ गई, ये देखिए EVS की। इसमें भी आपको डेट लगानी है सेम वैसे की वैसे। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। एडॉप्शन इज नॉट लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया। एडॉप्शन यानी गोद लेना, क्या गोद लेना इंडिया में लीगल प्रैक्टिस नहीं है? तो लीगल प्रैक्टिस है ना, तभी तो लीगली सबको मिलता है। तो ये है फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स यानी ये झूठ है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस नॉन एज जेनेटिक्स, तो इसका आएगा ट्रू। सेकेंड है ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, याद रखिएगा। नंबर 3, द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन आर कॉल्ड हर्पेस, तो फॉल्स, इसको हर्पेस नहीं बोलते हैं। फिर है ऑर्फनेज आर प्लेसेज रन बाय चिल्ड्रन। ऑर्फनेज यानी कि आश्रम्स, क्या आश्रम बच्चों द्वारा चलाए जाते हैं? तो नो, फॉल्स। फिर है नॉमेडिक फैमिलीज डू नॉट चेंज देयर प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। जो नॉमेडिक फैमिलीज होती है वो अपनी पूरी लाइफ में अपने रहने की जगह को चेंज नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉमेडिक, इनफैक्ट नॉमेडिक फैमिली ही वो होती हैं जो बार बार अपना घर चेंज करती हैं, तो ये भी फॉल्स रहेगा आपका। यानी कि ओनली सेकेंड जो है वो आपका ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स हैं। अभी आ जाइए आप सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, बी वाला। इसमें क्या है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What should be done in schools and society to promote differently abled children? तो इसमें है number 1, providing access to differently abled persons. Number 2, providing special equipments to augment educational services for differently abled persons. Number 3, realize that people with disabilities are humans too. यानी हमें याद रखना है कि उनके अंदर कितनी भी कमियां हैं लेकिन फिर भी वो क्या है, इंसान, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके, तो ये EVS की आपकी वर्कशीट है। अभी आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ये आपको अपनी वर्कशीट में इसको फिल करना है। ओके, थैंक यू।